उन्हें वो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो इसीलिए धृतराष्ट्र संजय को बिठाकर अपने कब और दिया जाता है। उसी प्रकार इस कथा के हरे कृष्णा सभी को। तो जन्माष्टमी आने वाली है और अभी हम भागवत गीता जी पढ़ना शुरू करने वाले हैं, तो पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। तो अभी एक अध्याय पढ़ेंगे और श्लोक के साथ में पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। और पढ़ने के लिए हमारा प्रतीक रेडी है, तो प्रतीक पढ़ेगा, आपको सुनाएगा। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट में हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय एक है, तो श्लोक से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जी प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करो, ठीक है? यस। धर्म से कुरुक्षेत्रे संवेता युयुच्छव वह माम का पाड़द्वा सॉरी। तो यहाँ पर ये जो श्लोक पढ़ा है इसका अर्थ जान लेते हैं। तो इसका अर्थ है, हे संजय धर्म, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में यह कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र को तो पता है कि उसके पुत्रों ने क्या किया है और उसका परिणाम क्या होने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित है और उन्हें ये जानने की इच्छा हो रही है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, पांडव के पुत्र क्या कर, पांडव जो है वो सारे क्या कर रहे हैं। तो उन्हें वो जानने की इच्छा है, तो वो संजय से पूछ रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से पढ़ो भगवत गीता एक बहुपथित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इनमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से स्वीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझाने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण के से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद्गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद्गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें
मिलेगी अपितु ऐसा बात भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। सीधे होके पढ़ो इधर। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान नेक्स्ट किसका से ना स्टार्टिंग से क्या से यस द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब क्रिया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित। मम्मी आप नहीं बताओ। ओके जब मैं बोलूंगा तब बताना। ओके धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्यात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः
धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था, आता है मुझे था कि इस पवन स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव एक मिनट रुको, जो संजय थे ना, वो युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, वो सब कुछ वहाँ पर देख सकते थे। उन्हें वो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो इसीलिए धृतराष्ट्र संजय को बिठाकर अपने कक्ष में यानी कि अपने कमरे में पूछते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वो मुझे बताओ। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है। किन्नु कहा, पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार ध्यान ओके के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वह कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है।
तो आज का ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, और ये अब नेक्स्ट श्लोक नंबर 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। तो कैसा लगा ये चैप्टर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और श्लोक नंबर 1 जो था, ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम कुछ डेली रूटीन में, डेली लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम कुछ गलतियाँ कर जाते हैं और हमें पता होता है कि इसका हमने गलत किया है, हमें इसका परिणाम क्या मिलेगा वो भी हमें पता होता है, फिर भी हम किसी और से ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अब वो क्या कदम उठाने वाला है। तो उसे ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी सिचुएशन है। तो कृष्ण ज़रूर लिखे। तो सभी को राधे राधे एंड हरे कृष्ण।